अस्सलाम वालेकुम, मैं निमरा शहाब और आप देख रहे हैं फ्लाई न्यूज़। नवाबशाह से खबर शामिल करते चलें। हमारे नुमाइंदे रिजवान काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह पुलिस की कामयाब कार्रवाई, दो मर्द मुलजमान और एक औरत गिरफ्तार, डकैती में छीनी गई रकम और चर्स बरामद। SSP शहीद बेनजीराबाद महजूर अली की SSP शहीद बेनजीराबाद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP शहीद बेनजीराबाद महजूर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाबशाह पुलिस ने सरमत कलहोड़ों की गैंग के दो मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जो नवाबशाह के मंजूर हुसैन बरोही और सिगरेट की मोहम्मद उर्स मक्सी की डकैती में मुलव्वस थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 10 लाख रुपए बरामद करके मस्कुरा फरियादियों को 5-5 लाख रुपए दे दिए, जबकि दूसरी जानिब काजी अहमद पुलिस ने गश्त के दौरान कौमी शाहरा पर दो मशकूक मर्द मुलजिमान और एक औरत मुलजिमान खड़े थे, जो पुलिस को देखकर फरार होने लगे तो पुलिस ने औरत मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मर्द मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने औरत के कब्जे से 20 किलो चर्स बरामद कर लिया, जबकि गिरफ्तार औरत नजीरा सोलंगी ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि मैं अपने साथी मजीद चांडियो और उनके एक नामालूम साथी मुख्तलिफ मकामात पर चर्स फरोख्त करते हैं। पुलिस की जानिब से फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस मौके पर SSP शहीद बेनजीराबाद महजूर अली ने पुलिस टीम को शाबाशी देने के साथ साथ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर DSP हबीबुर रहमान लाशारी, अब्दुल्ला लाखीर, SHO सनाउल्ला पन्होर, अब्दुल लतीफ थयम, बशीर डाहरी और दीगर मौजूद थे।